नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चौधरी प्रदर्श पर। और आज हम सीखेंगे एक बहुत ही एवरग्रीन हिट सॉन्ग, तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। बहुत प्यारा गाना है, कुमार शानू जी और अलका याग्निक जी द्वारा गाया हुआ, और मुझे बहुत पसंद है गाना। और मुझे उम्मीद है जो संगीत प्रेमी हैं, जो सॉन्ग सुनते हैं, उनको ये गाना जरूर पसंद होगा। तो आइएगा, इस सॉन्ग को आज हम सीखेंगे हारमोनियम पर प्ले करना। चाहे तो आप कीबोर्ड पर भी इस सॉन्ग को बजा सकते हैं, क्योंकि इसका म्यूजिक पार्ट, स्थाई अंतरा, फिलर पार्ट भी मैं आपको बताऊंगा। इसका नोटेशन भी आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो आइएगा, अगर आप भी इस सॉन्ग को सीखना चाहते हैं तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। आइएगा, करते हैं लेसन शुरू। और लेसन शुरू करने से पहले बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी कोशिश है कि अच्छे अच्छे वीडियो लेसन हम इस चैनल पर आपको देते रहें। आइएगा फ्रेंड्स, देखिएगा, स्केल हमने इसका रखा है एफ शार्प, तीसरा काला, ठीक है। एफ शार्प माइनर इसका कॉर्ड है, स्वर देख लीजिए, सा रे कोमल गा मा पा, और दोनों धा का इसमें प्रयोग होगा, कोमल भी और शुद्ध भी, और कोमल नी, यहां तक के स्वर इसमें यूज होंगे, ठीक है। और मंत्र सब तक की आप बात कर लें तो कोमल नी, कोमल धा और पा, ठीक है। अब देखिएगा, जो ये तो हमारे स्वर हुए, अब जो गाने की स्थाई है, पहले हम समझेंगे स्थाई कि किस तरह से आप स्थाई को प्ले करेंगे। आइएगा देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर संगीत सीखना आपका भी सपना है और आप किसी कारण से अपने गुरुजी के पास जाकर के संगीत नहीं सीख पा रहे हैं, तो अब आप ये सपना पूरा अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। जी हाँ, आपके अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन अवेलेबल है जिसका नाम है रियाज ऐप। जी हाँ, इसका डाउनलोड लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहाँ पर क्लिक कीजिए और डाउनलोड कीजिए और महान गुरुओं से संगीत सीखिए। देखिएगा स्थाई की पहली लाइन, तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया, ये है पहली लाइन। देखिएगा, ये सा से शुरू हुई है, एक बार स्लो में मैं बजा करके दिखाता हूं। अब इसका नोटेशन देखिएगा, सा रे ग प म द प म रे सा नी, आधी लाइन का, ठीक है। तेरी मोहब्बत ने, ठीक है, उसके बाद दिल में मकाम कर दिया, रे गा रे सा रे नी सा नी रे सा सा, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी स्थाई की पहली लाइन। अब देखिएगा दूसरी लाइन, दूसरी लाइन पा से शुरू होगी, सारे गामा पा, ठीक है। मैंने भी अपना दिल ये जा तेरे नाम कर दिया, अब ये लाइन है, ठीक है। पहले इसमें शुद्ध धा प्रयोग हुआ है, बाद में कोमल धा प्रयोग हुआ। मैंने भी अपना दिल ये पा 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 धा धा धामा, मैंने भी अपना दिल ये जा तेरे नाम कर दिया, मा 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 धा तेरे नाम कर दिया। अभी पूरी
लाइन में आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हुई आपकी स्थाई। अब देखिएगा म्यूजिक पार्ट। अब जो म्यूजिक पार्ट है वो प्लक पार्ट से शुरू होता है। ठीक है, अब देखिएगा प्लक पार्ट है। स्लो में देखिएगा, गा गा रे सा रे गा सा। अब इतना होने के बाद फिर स्ट्रिंग है साथ में, और स्ट्रिंग है पा गा रे सा पा गा रे सा पा मंत्र सप्तक का गा रे सा। देखिएगा दो बार ये आएगा, तीसरी बार में मा मा गा रे गा मा रे। अब उसके बाद थ्री स्ट्रिंग पा मा गा रे पा मा गा रे। ठीक है, तो दो बार वो पहले वाला और तीसरी बार, और चौथी बार में फिर वापस वही। इतना होने के बाद फिर जो नेक्स्ट पार्ट है प्लक पार्ट, फिर ये सा रे गा रे सा नी धा पा, फिर ये प्लक पार्ट है। ठीक है, अब उसके बाद फिर एक स्ट्रिंग का पार्ट आता है जो म्यूजिक पार्ट है। देखिएगा पार्ट है स्ट्रिंग। ठीक है, पूरा बजा करके दिखाता हूं, पार्ट देख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद फिर यहां से आपका अंतरा शुरू होता है। अब जो अंतरा है, तुम क्या जानो कितने दिन रात गुजारी मैंने तारे गिन गिन, ये अंतरा है। अब स्लो में देखिएगा, तुम क्या जानो कितने दिन नी धा नी धा नी धा नी धा रे रे सा सा नी धा नी धा, चार बार है नी धा नी धा नी धा नी धा रे रे सा सा। तुम क्या जानो कितने दिन रात गुजारी मैंने तारे गिन गिन। ठीक है, इसके बाद एक फिलर आता है। अब जो फिलर है प्लक पार्ट से, हम देखेगा सा पा मा गा मा गा रे सा, इतना फिलर है। ठीक है, उसके बाद फिर आपकी वही लाइन सेम शुरू होती है, तुम क्या जानो कितने दिन रात गुजारी मैंने तारे गिन गिन। इसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन है, याद तुम्हारी आती है मेरी नींद चुराती है।
मा याद तुम्हारी आती है। उसके बाद मेरी नींद चुराती है मा 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 रे रे मा पा पा पा, मेरी नींद चुराती है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम चैन मेरा लेके तूने मुझको बेचैन किया। चैन मेरा लेके तूने पापा दादा मामा पापा गा मुझको बेचैन किया। गा गा पमा गा रे सारे गारे मगरे ससा मुझको बेचैन किया। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। इस तरह से आप इस पूरे सॉन्ग को अच्छे से प्ले कर पाएंगे। दोनों अंतरे इसके सेम है और मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की कोशिश आपको पसंद आएगी। कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। कीजिए आप इसकी प्रैक्टिस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।